तो बस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर रोमन रेंग्स तो बन चुके हैं भाई आपके न्यू WWE चैंपियन, न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, डबल चैंपियन यहाँ पर फाइनली वो बन चुके हैं। और उसके बाद रोमन रेंग्स का क्या इस चीज के ऊपर रिएक्शन निकल के आया, क्योंकि भाई रिएक्शन तो पूरा WWE यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन खुद चैंपियन का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसके साथ ही शायद रोमन रेंग्स इंजर्ड हो चुके हैं अपने मैच के चलते, और क्या कुछ दिक्कतें उनको हुई यहाँ पर मैच के बाद वो काफी कुछ हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो आज पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर हमने देखा जहां पर रोमन रेंग्स और ब्रॉक लेसनर का बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम हुआ, जिस मैच के अंदर रोमन रेंग्स ने यहां पर ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और यहां पर वो न्यू चैंपियन बन चुके हैं। अब कह सकते हो यहां पर काफी कुछ मिक्स रिएक्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं रोमन रेंग्स को कितनी ज्यादा क्राउड हेट करती है, बू करती है उनको। और वैसे तो हमको लग ही रहा था कि यहां पर इस मैच को रोमन रेंग्स ही जीतेंगे, और WWE ने यहां पर वैसे ही कुछ करा जहां पर रोमन रेंग्स इस मैच को जीतकर डबल चैंपियन यहां पर वो बन चुके हैं। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर काफी कुछ मिक्स रिएक्शन निकल के आ रहा है, कुछ लोगों को सही लग रहा है कि यहां पर रोमन रेंग्स को चैंपियन बना दिया गया, कुछ लोग यहां पर अभी भी हेट कर रहे हैं कि यहां पर ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बन के आना चाहिए था, मतलब उनको चैंपियन बनना चाहिए था। तो मैं जानना चाहूं कि आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, आप क्या चाहते थे, कि आपको सही लग रहा है रोमन रेंग्स चैंपियन बने, या फिर आपको लग रहा था कि इनकी रेन भाई बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो इसको फाइनली WWE को एंड कर देना चाहिए था। आपका इसके ऊपर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब रिएक्शन की यहां पर हम बात करें तो रोमन रेंग्स ने यहां पर एक सिंपल सा ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा है ऑफ ऑल टाइम ओवर द इंटायर यूनिवर्स वन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो रोमन रेंग्स का यहां पर इस चीज के ऊपर कुछ ये रिएक्शन निकल के आया, कह सकते हो भाई WWE का सबसे बड़ा जो चैंपियन है वो इस टाइम पे रोमन रेंग्स ही है, दोनों जो वर्ल्ड टाइटल है उनके पास है। तो रोमन रेंग्स का कह सकते हो ये ड्रीम पूरा हुआ, जो कि हम कितनी बार यहां पर बात क्या करते थे कि रोमन रेंग्स अभी तक कंपनी के अंदर डबल चैंपियन नहीं बने, उन्होंने दो दो टाइटल्स को होल्ड नहीं किया है, और जब मतलब उन्होंने होल्ड किया तो भाई दोनों ही वर्ल्ड टाइटल को होल्ड किया, कोई यहां पर मिडगार्ड टाइटल नहीं है, यहां पर दो दो वर्ल्ड टाइटल है उनके पास। अब देखेंगे आने वाले टाइम में WWE इन दोनों ही टाइटल्स के साथ क्या करती है, क्या यहां पर कोई न्यू टाइटल बेल्ट वो निकालते हैं, या फिर दोनों ही ऐसे ही चैंपियनशिप को रोमन रेंग्स लेके चलेंगे, तो वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। लेकिन बात करते हैं रोमन रेंग्स की इंजरी के बारे में, तो रोमन रेंग्स को शायद यहां पर थोड़ी बहुत इंजरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इन फोटोज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोमन रेंग्स के शोल्डर में या थोड़ा जो ट्राइसेप वाला पार्ट होता है वहां पर रोमन रेंग्स को थोड़ी सी इंजरी हो गई, जहां पर स्वेलिंग वगैरह यहाँ पर उनके आना स्टार्ट हुई थी। और मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ये जब जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने अपना किमोरा लॉक लगाया था उसके चलते यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है। और मैच के चलते यहाँ पर मैच के बाद भी यहाँ पर रोमन रेंग्स को दोनों टाइटल्स को होल्ड करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो ये कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि शायद यहाँ पर रोमन रेंग्स को थोड़ी बहुत इंजरी भी हो चुकी है अपने मैच के चलते। बाकी हम होप करेंगे कि यहाँ पर ज्यादा कुछ दिक्कतें हो ना रोमन रेंग्स को, और जल्दी से यहाँ पर वो रिकवर कर जाएं। तो देखेंगे आने वाले टाइम में हमें क्या देखने मिलता है। कल भाई मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आने वाला है, और मुझे लग रहा है बिगेस्ट रॉ एवर होने वाली है कल की, क्योंकि काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। तो आज पे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।